आरुवी, ये 2017 की एक तमिल सोशल ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय अरुण प्रभु पुरुषोत्तमन, जिनकी ये डेब्यू फिल्म है। ये कहानी है एक स्वच्छंदी पापा की लाडली और चुलबुली लड़की आरुवी की, जिसके लिए अपने पापा और परिवार ही सब कुछ होता है। उसके पापा भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, उसकी गलती नहीं होते हुए भी, कि उसका परिवार और उसके पापा ही उससे सबसे ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। इतनी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं कि उसे घर से ही बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद समाज को आईना दिखाने के लिए, उसकी कूपमंडूक मानसिकता को एक्सपोज करने के लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनती है, जिसके बाद उसके जीवन में जो घटनाक्रम होते जाता है उसकी वजह से उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अब ऐसा उसके जीवन में क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर आपको फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। ये फिल्म बहुत सारे विषयों को छूती है, कई सारे विषयों पर तंज कसती है, कटाक्ष करती है, जिस घटना की वजह से आरुवी का जीवन पूरी तरीके से एक अलग ही मोड़ ले लेता है। उस विषय के साथ साथ ही समाज की विकृत मानसिकता को भी ये फिल्म कई बार व्यंग्यात्मक रूप से तो कई जगहों पर गंभीर रूप से भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कैसे लोग किसी व्यक्ति की शारीरिक, आर्थिक या फिर मानसिक स्थिति को देख करके उसको जज करते हैं, उसको हेट करते हैं या फिर उससे प्यार करते हैं, इस बात को भी डायरेक्टर ने फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। आरुवी एक परफेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है। ये फिल्म जरा हटके है, मतलब जरा नहीं, बहुत ही ज्यादा हटके है। ये एक जीवन बदलने वाली फिल्म है। अगर ये फिल्म देखकर भी किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता है, उसकी सोच नहीं बदलती है, तो यार उस व्यक्ति को कोई भी नहीं बदल सकता। इस फिल्म के आखिरी 15 मिनट पत्थर को भी पिघला सकते हैं, मतलब असली फिल्म तो आखिरी 15 मिनट में है। शुरुआत के 1 घंटा और 55 मिनट में तो डायरेक्टर ने केवल फिल्म का बेस तैयार किया है। आखिरी 15 मिनट में डायरेक्टर हमारे इमोशंस के साथ कुछ इस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं ना, कि हम उस समय पागलों की तरह रोने लगते हैं। रो रो कर हमारी आंखें सूख जाती है उस समय। और उस सीन के पहले भी डायरेक्टर ने जिस प्रकार से सिचुएशन को क्रिएट किया है ना उस समय, कि वो सीन हमारे दिल पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ करके जाता है। और उसमें भी आरुवी का जो एक 4 मिनट का वीडियो है ना यार, वो देखते समय तो हमारा अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। क्या कहूँ मैं आपको, मतलब वो सीन देखते समय हमारे अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है कि हे भगवान, ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो, प्लीज़ हम सबसे प्रेम करें यार, हम सबसे प्यार करें, किसी को भी हम हेट ना करें। यही एक आवाज़ वो सीन देखते समय हमारे अंदर आती है। उस वीडियो का, आरुवी का एक एक शब्द हमारे दिल पर घाव करते जाता है, एक बहुत ही गहरा घाव करते जाता है। सच में डायरेक्टर ने उस समय हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, और ऐसा करने के लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना ग्रेट मैसेज देने के लिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। उस वीडियो में आरुवी जब कहती है कि आप भी अपने किसी बच्चे का नाम आरुवी जरूर रखना, उससे मुझे खुशी होगी, उस समय हम अपने आप कह देते हैं कि हाँ जरूर रखेंगे, हम जरूर रखेंगे, क्योंकि उस समय हम आरुवी के कैरेक्टर के साथ इस प्रकार से जुड़ चुके होते हैं ना कि उसका वो दर्द हम खुद महसूस कर रहे होते हैं उस समय। आरुवी का कैरेक्टर निभाया है अदिति बालन ने, और सच में टेरिफिक परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर दिया है। कभी कभार हमें इतनी ग्रेट एक्टिंग देखने को मिलती है, इतना ग्रेट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते उनकी एक्टिंग का। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने आरुवी के कैरेक्टर को निभाया है। आरुवी के साथ साथ ही सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है। सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी बहुत ही ब्रिलियंट थे, और सबको स्क्रीन टाइम भी यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया गया है। खास करके आरुवी की जो ट्रांसजेंडर फ्रेंड यहाँ पर दिखाई है एमिली, उसका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जो कैरेक्टर निभाया है अंजलि वराधन ने, सच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर दिया है। उसके साथ साथ ही लक्ष्मी गोपाल स्वामी भी यहाँ पर एंकर के रूप में एक बहुत ही परफेक्ट लगती है। ये फिल्म देखकर कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि अरुण प्रभु पुरुषोत्तमन जी की ये पहली फिल्म है। सच में बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन उन्होंने यहाँ पर किया है। पूरी थ्रू आउट द फिल्म उन्होंने हमें एंगेज रखा है। फिल्म की शुरुआत में ही उन्होंने आरुवी को हमारे सामने एक टेररिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया है। उसका पुलिस स्टेशन में यहाँ पर इंटरोगेशन चल रहा होता है, उसकी वजह से हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यार आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों उसे टेररिस्ट की तरह यहाँ पर उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है। हमें अंदर से महसूस तो होता है कि यार वो निर्दोष लग रही है यहाँ पर, लेकिन फिर जिस प्रकार से उसके जीवन के एक एक कैरेक्टर को हमारे सामने लाया जाता है, उसके पिता, उसकी फ्रेंड्स, उनके द्वारा फिर आरुवी की कहानी को हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। और ये फिल्म दिखाने का तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर फिल्म को नहीं दिखाया गया है। जब तक फिल्म की एंडिंग नहीं आ जाती
तब तक भी हमें यह समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर हमें आखिर आगे क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक सीन को यहाँ पर हमारे लिए एक सरप्राइज की तरह रखा गया है। जैसे जैसे फिल्म आगे आगे बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वो हमें सरप्राइज करती जाती है कि यार ये क्या डायरेक्टर हमें दिखा रहे हैं, ऐसा तो हमने इसके पहले कभी भी नहीं देखा है। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर फिल्म का डायरेक्शन किया है। और यार अगर फिल्म की हम कमी की बात करें ना, तो फिल्म की एंडिंग देखने के बाद इस फिल्म में कुछ भी कमी निकालने की इच्छा ही नहीं रहती हमारे मन में। बस कोई कमी मैं यहाँ पर नहीं निकालना चाहता हूँ। फिल्म के म्यूजिक की अगर हम बात करें तो म्यूजिक मुझे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा, खास करके इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इतना गंभीर विषय यहाँ पर डायरेक्टर हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कहीं पर भी ये फिल्म हमें बहुत ज़्यादा डार्क या सीरियस नहीं लगती है। दोस्तों जब भी हम कोई ग्रेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी देखते हैं ना, उसके बाद हमें अंदर से होता है ना कि यार जिनको भी हम पसंद करते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम ये जाकर फिल्म दिखाएं। बिल्कुल वैसा ही कुछ आरओवी देखने के बाद मुझे अंदर से महसूस हुआ, और इसी वजह से मैं आप सबको ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ कि यार आप सभी दोस्त ये फिल्म ज़रूर ज़रूर देखना। सच में यार ये फिल्म कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 4.5 out of 5 stars की। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप इसे 5 में से कितने स्टार्स देंगे मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।